नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुल्लागंज, कोरोना के चलते लोग अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। वहीं CVSE स्कूल देवमाता द्वारा फीस वसूली के नाम पर पालकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो आप फीस जमा करें या अनुबंध पर साइन करें, यह बताएं कि कब तक फीस जमा करेंगे, अन्यथा आपके बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। जिसके संबंध में आक्रोशित पालकों ने आज अनुविभाग अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपते हुए ये गुहार लगाई है कि कोविड के चलते हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम उससे उबर नहीं पाए हैं। वहीं स्कूल द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जबकि स्कूल द्वारा कुछ ही कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ाया गया, बाकी कक्षाओं को ना तो ऑनलाइन पढ़ाया गया और उसमें कार्यरत शिक्षक थे उन्हें भी स्कूल से बाहर कर दिया गया और अब देवमाता स्कूल पालकों पर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नहीं चलेगी स्कूल की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और स्कूल नहीं, कई स्कूलों ने ली भी है फीस, 50% सभी स्कूलों ने अधिकांश कर दिए हैं। और दूसरी बच्चों के स्कूल की फीस को लेकर दिया, और स्कूल की फीस में यह उन्होंने अनुबंध किया है कि अगर आप पैसा जमा नहीं करते तो किस तारीख को जमा करेंगे, एग्रीमेंट बनवाया है, अनुबंध पत्र उस पर हमसे साइन करवा रहे हैं। और किस स्कूल देव माता विद्याश्रम है राला, नसलगंज राला जिसका नाम से जी, और नसलगंज के करीब करीब 60% बच्चे वहीं पर। तो देव माता द्वारा क्या कहा जा रहा है फीस के संबंध में? देव माता द्वारा कहा जा रहा है कि आप पैसे जमा करें, अन्यथा आपके बच्चों को बैठने के लिए एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जब वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने बात की तो वो इस चीज़ को कहने लगे कि हमने अभी किसी को मना नहीं किया कि हम आपको बैठने की अनुमति नहीं देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं आपने इससे पहले भी आवेदन दिया था प्रशासन? जी सर, 2 महीने पहले हमने SDM साहब को आवेदन दिया भी था। इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज वो पूरे धड़ल्ले के साथ बच्चों को टॉर्चर कर रहा है और सभी बच्चों के पास आके माता पिता को यह कहते हैं कि आप फीस जमा कीजिए नहीं तो हम आपको पढ़ने अच्छा नहीं मैंने। इस संबंध में क्या BRC या शिक्षा अधिकारी से आपकी कोई बात हुई? बिल्कुल, पहले बात हुई थी ऐसे 2 माह पहले और SDM साहब को भी अवगत कराया था, उसी दिन BRC भवन को भी अवगत। क्या आश्वासन दिया था उस समय? उन्होंने यही कहा था हम उनसे बातचीत करके इस समस्या का निदान निकालेंगे और आप लोगों का कहना सही है, हमको आश्वस्त किया था। तो दूसरी स्कूल की फीस माफ हुई कि नहीं? बिल्कुल, BBM स्कूल द्वारा 50% की छूट उन द्वारा दे दी गई। देव माता ही अपनी एक तानाशाही चला रहा है, चला यूं रहा है कि मतलब आप खुद ही सोचिए कि उनके द्वारा किया गया एग्रीमेंट इसको क्या स्पष्ट करेगा, अनुबंध पत्र क्यों, मतलब आप ये तो तानाशाही हुई ना कि आप किस तारीख को पैसा देंगे। अभी हमारे साथ एक भैया थे, उसके साथ अनुबंध पत्र तैयार करके ही वो हमारे साथ बाहर आया और फिर उसने हमें उसकी रिसिप्ट भी बताई कि हमारे द्वारा ये साइन उन्होंने कराया। हम लोग फीस भरने में असमर्थ हैं और यही हम लोगों ने SDM साहब को पहले भी अवगत कराया था और फिर अवगत कराया है। नहीं होगा तो मजबूरन हम सब लोगों को अपने पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल में से निकालना पड़ेगा और सामूहिक रूप से हम जितने भी पेरेंट्स हैं सभी अपने बच्चों को वहां से निकाल के दूसरे स्कूल में एडमिट करा देंगे। स्कूल का क्या कहना है इस चीज़ में? यदि स्कूल प्रशासन मानता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये तय है। नहीं, फीस जमा नहीं करते तो स्कूल वाले का स्कूल वाले बोल रहे हैं एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन अभी हम जब वहाँ पर गए थे बोलने के लिए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम स्कूल में एग्जाम में बैठने देंगे या किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन फीस पूरी लेने का बोल रहे हैं। और बाकी स्कूल जो है वो 50% फीस ले रहे हैं तो देवमाता स्कूल को भी 50% फीस लेनी ही पड़ेगी। जैसे अभी तहसीलदार को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन ही दिया था, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम साहब से बात करके और कार्रवाई उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, देवमाता स्कूल द्वारा ना तो बच्चों को पढ़ाया गया और जो उनके पास कार्यरत शिक्षक थे उन्हें हटा दिया गया, पूरे जो टीचर थे लगभग उनको हटा दिया गया, ना उनको सैलरी दी गई, फिर भी वो पेरेंट्स के ऊपर फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षकों के परिवारों को पालने के लिए ट्यूशन फीस एक अधिकार, लेकिन यदि किसी विद्यालय ने शिक्षकों को निकाल दिया है और बच्चों को नहीं पढ़ाया है तो वो अधिकार नहीं बनता। जैसे जो नियम होते हैं उसके अनुसार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए या जो ऑफलाइन पढ़ाया जाए उसके बाद ही फीस वसूली करने का अधिकार है, लेकिन कोरोना काल के दौरान कुछ क्लास तो बिल्कुल ही नहीं लगी, उसके बाद भी लगातार पेरेंट्स से फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये तो देखिए, फीस लेने का अधिकार तभी है जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बिना पढ़ाए यदि फीस ले रहे हैं तो वो इलीगल। इसलिए आज कुछ
जो पालक गण आए थे वो आपके समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया है, तो इस पर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? यहाँ पालकों का ज्ञापन आया है लेकिन उसमें ये प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं वो, हालांकि वो जांच का विषय है कि भाई नहीं पढ़ाया बच्चों को और फीस ले रहे हैं। यदि नहीं पढ़ाया है तो बिल्कुल मैं समझता हूँ उनको फीस लेने का अधिकार नहीं है। सर पूर्व में भी पालक जैसा बता रहे हैं कि टीचरों को निकाल दिया है तो फीस लेने का अधिकार, पूर्व में भी पालकों द्वारा आवेदन दिया गया था। हाँ पूर्व में भी आवेदन दिया, उस चीज पे कोई कार्रवाई माननीय विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने की और वो एसडीएम साहब के पास स्पेशल में भी है। पालकों को कहना है कि बच्चों को रोज टॉर्चर किया जा रहा है, उन्होंने कहा फीस लाओ जब भी परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। देखिए बच्चों को टॉर्चर तो कोई नहीं कर सकता, शिक्षा अधिकार कानून है, पॉक्सो कानून है, बाल संरक्षण अधिकार कानून है, कोई भी माता पिता पालक टीचर पड़ोसी कोई भी बच्चों को टॉर्चर नहीं कर सकता। अच्छा सर जैसे पालक द्वारा फीस नहीं जाती तो बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, शिक्षा अधिकार कानून में यह है कि बच्चे का 14 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करना कानून अधिकार, उस अधिकार से उसको कोई वंचित नहीं कर सकता। नसरुल्लागंज से खबर समाज जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।